लगातार कोरोना का संक्रमण जारी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बेगमपुल चौराहा, मेरे पीछे ये मार्केट है, मार्केट पूरी रात के 8 बज रहे हैं, मार्केट पूरी क्लोज हो चुकी है और देखिए यहाँ पे लोगों का आना जाने का गमन भी बिल्कुल कम हो चुका है। पूरा यहाँ पे बाजार है और पूरा तरीके से बंद कर दिया है, लोग इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। पूरा 59 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि योगी सरकार ने कहा है 59 घंटे का लॉकडाउन लगेगा, रात्रि 8 बजे से लेकर शनिवार और इतवार को लेकर सोमवार सुबह 7 बजे लॉकडाउन खोला जाएगा। लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और आवागमन जारी है, ट्रकों का संचालन जारी है, जो कि माल आने जाने के लिए जो खोला गया है, जो कि दूध सब्जी इनको छूट मिली है, दवाइयों पे छूट मिली है। और बता दें आपको शादी में 50 लोगों की छूट मिली है, खुले में शादी करने के लिए 100 लोगों को अनुमति का प्रदान किया गया है और रोडवेज बसों की सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से एक सीट छोड़कर बैठने की प्रावधान लागू किया गया है, जो कि दिक्कत ना है। आपको बता दें कोरोना का किस तरीके से कहर पूरी तरीके दिखाएंगे, मेरे सामने ये मुख्य बेगमपुल चौराहा है, इस तरीके से ये रास्ता जाता है दिल्ली की ओर और ये रास्ता जाता है यहाँ से अबू लहन चौराहा, जो यहाँ का फेमस मार्केट है अबू लहन चौराहा। ये रास्ता हरिद्वार की तरफ जाता है, जो कि यहाँ से निकलने के बाद में ये हरिद्वार की ओर जाता है। पूरा यहाँ पर पूरा लॉकडाउन लग रहा है, पूरा 59 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया। सरकार ने एक ही अपील करी है कि 59 घंटे का लॉकडाउन लगाए और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये संक्रमण बस सिर्फ इतना ही है कि लोगों अपने चेहरे पे मास्क जरूर पहने, साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते रहें। जय भीम टीवी की भी आपसे अपील यही है कि मास्क जरूर पहने और सरकार का सहयोग करें, यही जय भीम टीवी भी आपसे बार बार अपील करता आया है। मेरे साथ सहयोगी कैमरा पर्सन प्रशांत वर्मा के साथ में आशीष प्रेमी, जय भीम टीवी मेरठ।